कोविड थर्ड वेव आने का उम्मीद है और प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पे ज़्यादा असर दिखाई देगा। और ये प्रेडिक्शन इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एडल्ट्स और ओल्ड एज इन लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला। एंड वैक्सीनेशन के बाद एडल्ट और ओल्ड एज दोनों में वैक्सीनेशन जिन्होंने लिया है उनमें देखा गया है कि सीवियरिटी कम होती है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो जाता है। मगर बच्चों का अभी कोई वैक्सीन नहीं आया है, कोविड वैक्सीन, और उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलने की वजह से वो दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन एंड चांसेस रहता है कि उनको कोविड इन्फेक्शन कैच करे बिकॉज लॉकडाउन के रूल्स थोड़ा सा लूजन अप हो गए हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी बाहर जाएंगे, जब पेरेंट्स बाहर जाए तो कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनसे कैसे बचाएं और कोविड-19 इन्फेक्शन बच्चों को ना लगे, उनसे कैसे हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि जब भी बाहर जाए वो तीन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखेंगे। एक होता है सैनिटाइजेशन ऑफ योर हैंड्स, अच्छी तरह से हैंड वॉश करें। बच्चों की आदत होती है कि हैंड अपने मुंह टच करते हैं या फेस टच करते हैं या खाना खाने से पहले भी हैंड वॉश नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें। और सैनिटाइज करें अच्छी तरह से फ्रीक्वेंटली जब भी बाहर जा रहे हैं। आफ्टर टचिंग एनी थिंग आउटसाइड इट्स बेटर टू सैनिटाइज योर हैंड। सेकेंड थिंग इज मास्किंग अप। और 5 ईयर्स एंड एबोव के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको आप फेस मास्क का यूज़ करें, ज़रूर करें। और इसके अलावा छोटे बच्चों में जो ओल्ड 1 ईयर एंड एबोव बच्चे हैं उनको आप फेस शील्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्किंग अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अ कॉटन मास्क, कॉटन क्लोथ मास्क इज़ फाउंड टू बी यूजफुल इन कोविड इन्फेक्शन। एंड द सेकेंड द थर्ड थिंग इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। वो हमेशा क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें जितना हो सकता है। इवन इन क्राउडेड प्लेसेस जैसे आप कहीं क्यू में खड़े हैं तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें फ्रॉम अदर पर्सन। इन तीनों चीज़ों से SMS स्टैंड्स फॉर सैनिटाइजेशन, मास्किंग अप एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये तीनों चीज़ों से आप अपने अपनों को और अपने बच्चों को कोविड इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।